आज हम संतरा और किन्नू के जो छिलके होते हैं उसको धूप में सुखाना है आपने, और इसके बाद जो है इन जो छिलकों को हमने जो है मिक्सर या किसी ग्राइंडर में जो है अच्छे से इसका पाउडर बना के मुल्तानी मिट्टी के अंदर मिक्स करके एक फेस पैक बनाना है जो कुछ इस तरह का बनेगा। और इस फेस पैक को जो है इस फेस पैक के अंदर बहुत से ग्रैनुअल्स बन जाएंगे, जिन ग्रैनुअल्स से आपके जो फेस के डार्क स्पॉट्स हैं, फेस के अंदर फेस के ऊपर जो प्रॉब्लम्स होती हैं, फेस के ऊपर जो छाइयाँ होती हैं, छाइयों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, जिनके फेस पे छाइयाँ हैं उसके लिए आयुर्वेदिक नुस्खा है ये। और जो डार्क स्पॉट्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, अगर इसको रब करें आपके फेस पे, स्क्रब की तरह यूज़ करें, तो आपका फेस जो है बहुत अच्छी तरह क्लीन हो जाता है। तो आइए आप एक डेमो करके दिखाते हैं। दोस्तों हमारा ये पैक रेडी है, मैंने आपको अभी दिखाया वीडियो में। आपने क्या करना है, जिसके भी फेस पे छाइयाँ हैं, किसी भी तरह के डार्क स्पॉट्स हैं, किसी भी तरह की ऐसी प्रॉब्लम, जैसे हम भी जो धूप में वर्क करते हैं किसी तरह की प्रॉब्लम्स फेस पे आने लग जाती है, पिंपल्स से आने लग जाती हैं, तो उसको अगर इस फेस पैक को अगर आप यूज़ करें, अपने फेस पे लगाएं और उसके बाद इसको मसाज करें अच्छे से, और इस फेस वॉश को फेस वॉश करें और उसके बाद 20 मिनट रखना है इसको आपने, तो इससे छाइयाँ जो सबसे पहले निकलती हैं, उसके बाद फेस ग्लो होता है और उसके अंदर जो डार्क हेड्स होते हैं, ब्लैक हेड्स होते हैं, वाइट हेड्स होते हैं, वो आपके रिमूव होते हैं अगर इसकी अच्छी तरह फेस को वॉश किया जाए, फेस की मसाज की जाए, और बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो आइए मैं इस पैक को जो है अपने फेस पे लगाने वाला हूँ। तो इसको कुछ इस तरह अप्लाई करना है, अगर बियर्ड्स हैं तो ना करें, लेडीज़ के लिए जो गर्ल्स हैं वो सारे फेस पे इसको अच्छे से जो है अप्लाई कर सकती हैं। इसको अच्छे से ऐसे अप्लाई कर लेते हैं हम, जहाँ जो जो पार्ट्स में मेरे बियर्ड है मैं वहाँ नहीं यूज़ करूँगा, जो बियर्ड्स में जो है इतनी जल्दी ये निकलते नहीं है, और मैं आपको जो है इसको वॉश करके दिखाऊँगा। ये ऐसे मैंने यहाँ रख लिया और इसको अच्छे से क्लीन कर रहा हूँ, पूरे पार्ट्स पे इसको अच्छे से लगा लेना है। इसके अंदर हमने मुल्तानी मिट्टी और जो हमारे संतरे के जो छिलके होते हैं, जो ये छिलके हैं, इनको धूप में सुखा के बिल्कुल ड्राई करके इसको जो है इसका फेस पैक बनाया, जिसको मैं अपने फेस पे प्रॉपरली लगा रहा हूँ। और इसको लगा के अब जो है 20 मिनट्स आपने वेट करना है, 20 मिनट्स आपने इसको रखना है। इसके बाद मैं अच्छे से इसको पूरा अप्लाई कर लेता हूँ, 20 मिनट्स बाद मैं वो फेस वॉश करके आपको दिखाता हूँ कि इसका कैसा रिजल्ट आता है, कैसी क्लियरिंग हमें मिलती है, कैसी जो है इसकी छाइयाँ दूर होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो आइए 20 मिनट्स बाद आपको मिलते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने फेस को वॉश कर लिया और बहुत ही ज़्यादा क्लियर और बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है। जब मैंने फेस वॉश किया तो इसके अंदर जो ग्रैनुल्स थे उनको जब मैंने अच्छे से रब किया अपने फेस पे, तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट मिला, और जो क्लियर है, क्लैरिटी है, वो बहुत अच्छी लगी। जो पिंपल्स होते हैं फेस पे उनकी जो क्लैरिटी आ जाती है बहुत अच्छी आ रही है। तो मैं ये आपको सजेस्ट करूँगा कि छोटा सा फेस पैक है, संतरे और हमारे जो किन्नू होते हैं उनके छिलकों को धूप में आपने जो है उबाल, उसको धूप में रखना है, उसको सूखने देना, उसका पाउडर बना के मुल्तानी मिट्टी में डाल के थोड़ा सा रोज़ वाटर या पानी भी मिक्स करके अगर आप उसका पैक बना लेते हैं, तो आपके फेस का जो रिज़ल्ट है वो बहुत अच्छा आएगा, और लोगों की जो छाइयाँ हैं वो 100% इससे निकल जाएंगी, ये गारंटेड है। और धीरे धीरे रिजल्ट आएगा, आप हर वीक में 3 बार या डेली भी से यूज़ करें तो बहुत अच्छा रिजल्ट आने वाला है, फेस वॉश करने की ज़रूरत ही नहीं है। फेस पैक रखें, 10 मिनट 20 मिनट बाद आप वॉश कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो फ्रेंड्स, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और लोगों को शेयर करें जिनके फेस पे छाइयों या डार्क स्पॉट्स की प्रॉब्लम्स हैं। थैंक यू।